उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में आज 130 नई बसें शामिल हो गई हैं। देहरादून आईएसबीटी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बसों का लोकार्पण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि नई बसों के चलने से अब पहाड़ों के दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को यातायात की कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले, ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफर भी आसान होगा। नैनीताल सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। नैनीताल रोड स्थित काला डूंगी चौराहे पर स्थित 200 साल पुराने कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बना ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ हुई वार्ता के बाद आम सहमति बनी है। प्रशासन ने कहा कि कालू सिद्ध मंदिर को बगल में ही शिफ्ट किया जाएगा, जल्द ही मंदिर शिफ्ट करने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। हाँ सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी है सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें है जी, इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं आपकी, इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। ये अपना बाजार के इधर या आप ये जगह दे दिए सर इन्होंने, इसके इधर आपका मंदिर ये दर्शन होंगे फिर आपके। सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है, उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है, उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर, और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। ये हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं, हम सभी का सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। देखिए, जो हमारे हल्द्वानी शहर में विभिन्न जंक्शन के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा मंगल पड़ाव से रोडवेज का जो स्ट्रेच है जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है, इसमें एक पवित्र धार्मिक स्थान जो कालू सिद्ध मंदिर है, इसकी एक बहुत पौराणिक मान्यता भी है और लोगों में बड़ा आस्था का केंद्र भी है। तो जिला प्रशासन विगत कई समय से मंदिर समिति के लोगों के संपर्क में था और उनसे वार्ता हुई है, बाबा जी आए हैं बरेली से और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसको आस्था को देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं की इसमें आस्था को देखते हुए और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसको यहाँ पर बगल में ही जो हम लोग जमीन उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा और ये से माननीय न्यायालय के आदेशों की भी पालना होगी और जो हमारी धार्मिक मान्यता है उनका भी। सर, कितना पीछे से? स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय चुखौटिया में 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक मदन बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय परिवार के ओर से सभी आगंतुकों और पत्रकारों का बैच लगाकर इस दौरान स्वागत किया गया। वहीं अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर शालिनी शुक्ला ने महाविद्यालय के बारे में अवगत कराया। कराते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा, बच्चों के अंदर खेल के प्रति प्यार और अपने देश के प्रति प्यार भी बढ़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों की फिटनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। चुनाव कॉलेज के निरस्त किए जा रहे हैं, ये तो समझ में ही नहीं आया। अब जब ये लीडर पैदा कहाँ से करेंगे, लीडर पैदा, बच्चे जो पैदा होते हैं वो छात्र नेताओं से तो आगे बढ़ के होते हैं। ये राजनीतिक में बीजेपी है, ये राजनीतिक में किसी को आगे बढ़ना नहीं चाहते, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो, चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी हो, इससे तो साफ लगता है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए प्रदेश भर में खाने पीने के चीजों के साथ साथ पटाखों की अवैध फैक्ट्री और गोदामों पर भी नजर रखी जा रही है। यदि कहीं कोई लापरवाही सामने आ रही है तो पुलिस और प्रशासन और साथ ही संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है।
वहीं देहरादून सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यु सिंह ने इस दौरान बताया कि त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। जनता की सहूलियत को लेकर प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम किए गए हैं। खटीमा के उधम सिंह नगर में कच्ची शराब के सौदागरों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग अभियान चला रहा है, जिसके तहत खटीमा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक लालू राम के नेतृत्व में टीम ने आलावर्ती क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी की और अवैध रूप से शराब बनाने वाली 3 जलती हुई भट्टियां नष्ट कर दी। साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 3,400 किलो वाहन भी माफ कीजिएगा शराब नष्ट की गई। जो है कि आबकारी आयुक्त महोदय उत्तराखंड के आदेशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव सिंह चौहान के नेतृत्व में मुझ आबकारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र 2 खटीमा में दबिश दी गई और आलावर्दी के जंगलों में चलती हुई 3 भट्टियां पकड़ी गई, जिसमें से लगभग 50 लीटर शराब खाम बरामद की गई और 3400 किलो लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा जो भी ये उपकरण थे उन सभी को नष्ट किया गया शराब बनाने के, और आगे भी अभियान जारी रहेगा। दिवाली का महापर्व नजदीक आने के साथ साथ इन दिनों कृषि उपज मंडी जिनसों की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। सितारगंज कृषि मंडी में वार्ड का धान पर ढेरों से थसाथस भरे हैं। अब तक लगभग 7,000 क्विंटल धान की तोल हो चुकी है। तो वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी ओम नारायण मिश्र ने बताया कि बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल को लेकर सितारगंज कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। चल रहा है, आज हमने जो हमारा शासन का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कार्यक्रम किया और यहाँ पे 1-2 समस्याएं आई बिजली की, पोल्स की और इसके अलावा सड़क की, उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट्स को बताया गया और यहाँ पे खतौनी भी पड़ी गई, जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी शासन द्वारा कैंप लगा के और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे खतौनी पड़ी जा रही है ताकि ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके जो वारिस हैं उनके नाम पे खतौनी में जमीन में उनका नाम आ जाए, तो वो भी यहाँ पे किया गया। और इसके अलावा जानकारी भी दी गई कि इस समय पंचायत निर्वाचक नामावली का कार्य चल रहा है। राज्य के देवनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की ओर से गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि पहले भी अरविंद केजरीवाल का भाजपा खत्म करना चाहती थी, भाजपा कितने भी षड्यंत्र रच ले लेकिन आम आदमी पार्टी के विचारों को समाप्त नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पहले भी हटाना चाह रही थी सत्ता से, लेकिन नहीं हटा पाई क्योंकि हम नए थे चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने वो दम नहीं दिखाया, इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, कमर कस के नगर निगम के चुनावों में भी और आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी जिसके लिए लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौकरियां, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं, ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी आम आदमी पार्टी। राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश लोगों का देख के बता रहा था कि ये संभव है। खबर रामनगर से है, जहां पुलिस ने 6 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि जोशी कॉलोनी में बीते दिनों अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए के आभूषण, हजारों रुपए की नकदी साफ कर दी थी। मामले में पुलिस की ओर से प्रवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और वहीं साथ में जिसके बाद आरोपियों को चौधरी कॉलोनी पूछड़ी से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से आभूषण और नकदी बरामद की। फिलहाल मामले में एक चोर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
देखिए दिनांक 19/20 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा वादी डॉक्टर अनुपम शुक्ला के घर में चोरी कर ली गई थी। वादे की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। तुरंत ही इसमें एक टीम थाना स्तर पर गठित की गई। टीम द्वारा जो SSI मनोज न्याल के नेतृत्व में उसने काम किया और आज दो चोरों को मतलब घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा तथा 2.5 लाख के जेवरात और 10,000 रुपये नगद आज बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर अभी कोई फरार भी इसमें? इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है। रामनगर में छात्र संघ चुनाव न होने के विरोध में NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के आदेश के बाद से पूरे उत्तराखंड में छात्र संगठन सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। छात्रों ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रामनगर में भी मुख्य गेट के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। साथ ही दीपावली के बाद सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की तो पूरे उत्तराखंड में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। पौड़ी जिले में नायर उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विधायक राजकुमार पौरी ने बिलखेत में व्यास खट तक 20 किलोमीटर के लिए 31 प्रतिभागियों के साइकिलिंग दल को हरी झंडी दिखाई। दल ने स्थानीय लोगों के साथ साथ अधिकारियों और मीडिया कर्मियों की ओर से प्रतिभाग किया। नायर उत्सव के तहत साइकिलिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा नायर महोत्सव का उद्घाटन किया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज तीसरे दिन यहाँ बिलखेत से और बागी तक 20 किलोमीटर लंबी यहाँ पर साइकिलिंग का कार्यक्रम रखा गया है और पर्यटक विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा ऐतिहासिक और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम अपने अगली पीढ़ी को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। पिथौरगढ़ मार्ग में पाटन पुल के पास पिकअप और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। हादसे में दो महिला होमगार्ड गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से एक महिला को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि होमगार्ड ड्यूटी खत्म करने के बाद स्कूटी से घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान उनकी स्कूटी सामने से आ रही पिकअप से जा टकराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। छात्र संघ चुनाव निरस्त होने से नाराज छात्र छात्राओं ने कुलपति की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने कुलपति के पुतली की शव यात्रा निकाली और घाट चौक पर पुतला दहन कर आक्रोश जताया। छात्रों ने सरकार से कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की है।